हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ही पखवारे के अंतर्गत लगातार चोरियां थामने का नाम नहीं ले रही हैं। राठ कोतवाली इलाके के अंतर्गत छोटी जुलहेटी में यहां पर एक बार चोरों ने फिर से एक सूने घर को निशाना बनाया है। दीदी हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सीतू सेंगर हमीरपुर से जुड़ गए हैं। सीतू, यहाँ पर चोरों ने सूने घर को निशाना बनाया है। जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा घटना हमीरपुर जनपद के राठ थाने के अंतर्गत आने वाली छोटी जुलहेटी नई बस्ती का है, जहां पे एक दंपत परिवार के घर में ये चोरी का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, 6 तारीख को ये परिवार बांदा गए थे अपनी ससुराल, जहां पे मुस्लिम समुदाय का जो पर्व चल रहा है उसका पलंग देखने के लिए। और आज सुबह जब उनके मकान मालिक मोहम्मद ने देखा तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था, तो उनको इसकी जानकारी दी गई। जब बसीर वहां से लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि घर में रखे मंगलसूत्र, 2 जोड़ी झुमकी, 2 जंजीर, 2 पायल, चांदी के ही हथफूल और करीब 1 लाख की चोरी बताई जा रही है, जिसमें 20,000 रुपए नगद था। जी सीतू, कहा जाएगा कि जहां एक ही पखवारे के अंतर्गत ये कहा जाएगा तो निश्चित तौर पर लगातार चोरियां राठ कस्बे में हो रही हैं। सीतू क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर ये चोरियां निरंतर बड़ा विशाल रूप लेती जा रही हैं और निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगना चाहिए। सीतू, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बसीर। मोहम्मद बसीर, क्या घटना घट गई है आज? हमारे यहाँ चोरी हो गई है भाई। हम लोग अपनी ससुराल गए थे 6 तारीख को सुबह बच्चों के साथ में, तो आज सुबह पता चला, मकान मालिक ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ चोरी हुई। वहाँ से हम लोग फ़ौरन गाड़ी की और भी आए यहाँ, तो जगह सामान निकला पड़ा था। लगभग आपको क्या लगता है कितना सामान गया है और क्या क्या गया है? 1 लाख के ऊपर चोरी हुई है। मतलब जेवर था इनका, सोने का 1.5 तोला और चांदी का सामान था सारा, 2 जोड़ी पायल है, मेरी जंजीरें थी, तो इनका था सामान। कुछ नगद भी रखा था? हाँ, नगद कोई 20,000 करीब।